मेरा सिर काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया, क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? हमने तो केवल आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की बात की जो संवैधानिक दायरे के अंदर है, हमने कोई कानून का विरोध नहीं किया। किस बात के लिए एफआईआर? अब मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था में, आपने जो जाति व्यवस्था बनाई उसमें चौथे पायदान पर आने वाले शूद्र समाज में पिछड़ी जात में पैदा हुआ, इसीलिए आपने मेरा सिर काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया, क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर, जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे? ये जो आज 15 दिन से लंबा विचार विमर्श चल रहा है, 16वां दिन है, इस विचार विमर्श में जातवाद का नंगा नाच करने वालों की चूले हिल गई हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का खतरा देखा कि फिर से हिंदू धर्म में कहीं पलायन न हो जाए, कहीं और किसी धर्म की ओर न जाए, इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी ने भले ही मजबूरी में यह बयान दिया, लेकिन उनकी चिंता जायज। मैं इतना केवल इतना कहना चाहता हूं, आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी अगर मन से इस बात को कहे हैं, अगर दबाव में नहीं कहे हैं, तो धर्म के नाम पर वर्ग विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष को अपमानित करना, गाली देना, आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित सभी उन अंशों को हटवाने के लिए पहल करें, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में आज केंद्र में सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था 2014 लोकसभा चुनाव के समय जब किसी पार्टी ने उन पर किसी टिप्पणी की थी, तो उन्होंने भी नीच होने के अपमान का दंश झेला था। सार्वजनिक सभाओं में, एक नहीं अनेक सभाओं में कहा था कि पार्टी विशेष के लोग हमें नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं। और अभी अभी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जात में नीच होने का अपमान झेल चुके हैं, माननीय मोदी जी का मतलब जो गुजरात में 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उस समय देश के प्रधानमंत्री के दावेदार थे, आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, जब ऐसी शख्सियत को भी इस जातवाद के दंश और जहर को झेलना पड़ता है, तो गांव के एक सामान्य दबे कुचले पीड़ित शोषित दलित पिछड़े आदिवासी समाज के व्यक्ति का क्या हाल होगा, इस देश की महिलाओं के साथ कितना सौतेला व्यवहार होता है, वह इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं चाहता हूं कि अभी भी अकल ठिकाने पे आ जानी चाहिए। हमने आपको अपशब्द नहीं कहे, आपका अपमान नहीं किया, आपको किसी प्रकार की धमकी नहीं दी, हमने तो एक अनुरोध किया कि आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाना चाहिए, तो उसको हटाने के बजाय आप एक आतंकवादी, हिंसक, अपराधी की भाषा बोलने लगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी यही सोच है जो समय समय पर हिंदू धर्म को कमजोर किया, जिसके नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता रहे, उनको कहना पड़ा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 10 लाख लोगों के साथ। यहां तक कि कई मौके पर आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने यह भी कहा कि
भारत में जो भी रहता है वो हिंदू धर्म का है। यहां तक कि उन्होंने ये भी व्याख्या किया कि अगर इस देश में किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जैन धर्म ग्रहण किया, ईसाई धर्म ग्रहण किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया, तो वो सब हिंदू हैं। समय समय पर इस धर्म को छोड़कर लोग अन्य धर्मों में गए हैं। इसका मतलब है ये धर्म की कमियां हजारों साल से चली जा रही हैं, जिसके नाते लोगों को इसी अपमानित और प्रताड़ित होने के फलस्वरूप उनको इस धर्म को छोड़ना पड़ा। अगर आप चाहते हैं इस धर्म का सत्यानाश न हो तो अभी भी समय है, इसमें सुधार करें, संशोधन करें, आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाएं, मानव सम्मान के विपरीत, मानव कल्याण के विपरीत जो भी तथ्य कहीं भी हैं उसको हटाने का काम करें। हमने तो रामचरितमानस की जिक्र की थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख भागवत जी की इस बयान से अब तो हर पुस्तकों में जहां भी जाति व्यवस्था का वर्णन है, वो चाहे वेद हो, पुराण हो, मनुस्मृति हो, सभी अब विवाद के दायरे में धीरे धीरे आएंगे। ये विवाद न बढ़े, राष्ट्रहित में यही है, संविधान के निर्देशों का पालन करना और सम्मान करने में भी अपना धर्म है, और आपको इस हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए भी चिंता के साथ आगे पहल करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आपको FIR कराने का बड़ा शौक है और भी कठिन से कठिन धारा लगाने का बड़ा शौक है, तो तमाम संतों महंतों धर्माचार्यों ने जो सिर काटने के लिए, किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, कान काटने के लिए, हाथ काटने के लिए और नाक काटने के लिए फरमान जारी किए हैं, किसी ने हत्या कर देने के लिए फरमान जारी किया है, क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR कराते हैं? क्या रिश्ते में लगते हैं? क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे? संविधान का कानून, संविधान की व्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी? कानून का राज चलेगा नहीं चलेगा? हमने तो केवल आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की बात की जो संवैधानिक दायरे के अंदर है, हमने कोई कानून का विरोध नहीं किया। किस बात के लिए FIR?